मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। तो दोस्तों, ये जो भी आपने सीन देखा था, ये रामायण का एक बहुत ही फेमस सीन है। जगह जगह ये देखने को मिलता है कि श्री राम ने भरी सभा में उस धनुष को तोड़ दिया, जिस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाया था, और उस धनुष को तोड़ते ही जो है वो सीता जी से उनका विवाह हो जाता है, यानी कि स्वयंवर पूरा हो जाता है। पर अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें दोस्तों, तो ये सीन वाल्मीकि रामायण से डिलीट है, यानी कि वाल्मीकि रामायण में ये सीन आता ही नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है तुलसीदास जी के रामायण से, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो है वो रामायण को कुछ ही समय पहले लिखा है, जबकि वाल्मीकि जी ने रामायण को राम जी के समकालीन होकर के लिखा था। बकायदा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ऐसा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब श्री राम गद्दी पर बैठे उसके बाद में वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी, जिसके अंदर सारा जो है वो राम जी का चरित्र के साथ साथ उनकी पूरी कथा का वर्णन है। अगर स्वयंवर नहीं है वाल्मीकि जी की रामायण में तो फिर क्या है? तो आज यही दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं कुछ श्लोकों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आखिर में वाल्मीकि जी ने इस पूरे स्वयंवर का किस तरीके से वर्णन कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वैसे मैं ये जब से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वामित्र जी जो हैं वो श्री राम और लक्ष्मण दोनों को दशरथ जी से लेकर के आ जाते हैं, दशरथ जी के पास से लेकर के आ जाते हैं, और ये बोलते हैं कि हमें आपके पुत्रों की ज़रूरत है। उस समय ये बाल्यकाल में ही रहते हैं, दशरथ जी के मना करने के बाद भी मना तो नहीं कह सकते इन सेंस, पर हाँ, दशरथ जी का मन नहीं था कि विश्वामित्र जी उनको ले जाएं, मगर विश्वामित्र जी का जो है वो बहुत ज़्यादा मन था कि वो इन दोनों को लेकर के जाएँ। और इन दोनों को लेते हुए वो काफ़ी सारी इनको स्टोरीज बताते हैं, और बताते बताते जनकपुरी मिथिला पहुंच जाते हैं, यानी कि वर्तमान में जो नेपाल है। और वहां ले जाने के बाद में जैसे ही जनक जी उनको देखते हैं, उसके बाद में उनका क्या वार्तालाप होता है वहां से मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि हे भगवान, जनक जी कह रहे हैं कि आपका मैं स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पात्र हूँ। काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज उस टाइम बोली जाती थी दोस्तों, बहुत तरीके से सज्जनतापूर्वक लोग अपनी बात रखते थे। तो जब महात्मा जनक जी ने ऐसा कहा तो बातचीत करने में अत्यंत चतुर जो विश्वामित्र जी थे वो बोले, ये दोनों जो राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ और लोक में विख्यात श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, वो धनुष देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा हुआ है। विश्वामित्र जी उस धनुष के बारे में जानते थे। आपका मंगल हो, अतः आप उसे इन्हें दिखलवा दीजिए, उसे देखने से इनका प्रयोजन हो जाएगा और ये चले जाएंगे, ऐसा विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। ये सुन राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले कि जिसे प्रयोजन के लिए धनुष यहाँ रखा हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये धनुष मेरे पास में क्यों रखा हुआ है। हे भगवान, राजा निमि की छठवीं पीढ़ी में, राजा निमि होते थे कोई, उनकी जो छठवीं पीढ़ी थी उसमें देवरात नाम के एक राजा हो गए, उनको ये धनुष जो है वो धरोहर के रूप में मिला है। पूर्व काल में जब महादेव जी ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला, क्योंकि उसमें क्या था, आपको पता होगा महादेव की वो कथा जिसमें महादेव को जो है वो यज्ञ के लिए नहीं बुलाया जाता है, और उसी यज्ञ में अपने पति को न बुलाने पर सती जो है वो अपने प्राण त्याग देती है, और सती के प्राण त्यागने से महादेव का जो है क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और उसके बाद में वो धनुष उठा करके सबको फ्री कर देते हैं। मतलब उसी टाइम पर जो वो धनुष था वो, मतलब वो रुक ही नहीं रहे थे लोगों को मारते मारते, इतने ज़्यादा क्रोध में थे वो। जब तब लीलाक्रम से शिव जी ने क्रोध में ये धनुष दे करके देवताओं से कहा था कि हे देवों, तुम लोगों ने मुझे भगाड़तों को यक्का भाग नहीं दिया, अतः मैं इस धनुष से तुम सबको भी काट दूंगा। ये सुनकर शिव जी का वचन सुनकर देवता बहुत उदास हो गए, और फिर वो शिव जी को मनाने लगे। कई तरह के कृत्य उन्होंने किए जिसके बाद में वो शिव जी को मना पाए। शिव जी जो हैं वो मान भी जल्दी जाते हैं दोस्तों, वो मतलब थोड़े से भोले टाइप हैं, तो वो मान भी जाते हैं उस बात को। तब प्रसन्न होकर महादेव जी ये धनुष देवताओं को दे देते हैं, और देवताओं ने उस धनुष रत्न को पाकर वो देवरात को दे दिया, जिस देवरात की अभी जनक जी बात कर रहे थे। तो ये वही धनुष है, एक समय ये यज्ञ करने के लिए मैं हल से खेत जोत रहा था, उस समय हल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली, जिसके जन्म के कारण सीता नाम से प्रसिद्ध हो गई वो, और वही मेरी लड़की है। पृथ्वी से निकली हुई वह कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी, मैंने उसको पाल लिया, मतलब ये उनका कहने का मतलब है। उस
अयोनिजा, अयोनिजा का वर्ड का मतलब है कि जो जिसका जन्म नहीं हुआ हो, जिसका जन्म होने का प्रमाण नहीं हो, उस अयोनिजा कन्या के विवाह के लिए मैंने पराक्रम ही शुल्क रखा है। पृथ्वी से निकली हुई वो कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह करने के लिए अनेक देश के राजा आए। सीता के साथ विवाह रखने की इच्छा रखने वाले उन राजाओं से कहा गया कि ये जो कन्या है वो वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का मतलब कि आपको अपने ताकत का प्रमाण देना पड़ेगा इससे विवाह करने के लिए। ये राजा जनक की शर्त थी। अतः मैं वर के पराक्रम की परीक्षा किए बिना कन्या से किसी को विवाह नहीं करने दूंगा। तब है मुनिश्रेष्ठ, सब राजा जो है वो इकट्ठे हो गए, अपने पराक्रम की परीक्षा देने के लिए मिथिलापुरी में आए। उनके बल की परीक्षा के लिए मैंने ये धनुष उनके सामने रख दिया और बोला कि इसकी जो है प्रत्यंचा को चढ़ा दीजिए। उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पर रोदा नहीं चढ़ा सका। तब उन राजाओं को अल्पवीर्य समझकर मैंने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी। हे मुनिजन, ये बात आप भी जान लें। कौन? विश्वामित्र और राम लक्ष्मण। जब तक उन लोगों ने क्रुद्ध हो मिथिलापुरी को घेर लिया, क्योंकि धनुष द्वारा बल की परीक्षा देने में उन्होंने अपना तिरस्कार समझा कि उनसे भाई धनुष नहीं उठा, उन्होंने अपना तिरस्कार समझा इस बात को। उन लोगों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मिथिलावासियों को बड़े बड़े कष्ट दिए। एक वर्ष तक लड़ाई होने से मेरा धन नष्ट हो गया, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तप द्वारा देव देवताओं को प्रसन्न किया। जनक जी बोल रहे हैं बात। देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगिणी सेना दी। तब हतोत्साह राजा जो है वो पराजित होकर के भाग गए। चतुरंगिणी सेना जो है वो दोस्तों एक तरह की सेना होती है जिसमें चार भाग होते हैं, जिसके अंदर पैदल सैनिक होते हैं, जिसके अंदर अश्व वाले सैनिक होते हैं, जिसके अंदर हाथी होते हैं, जिसके अंदर रथ होते हैं। इनका एक फिक्स अनुपात होता है और इस अनुपात में जो है वो चतुरंगिणी सेना जमी हुई होती है। ये बहुत ही विशाल सेना होती है दोस्तों, लाखों की संख्या में इसके अंदर सैनिक होते हैं। तो ऐसी चतुरंगिणी सेना जो है देवताओं ने दी राजा जनक को। अच्छा, भीरू और वीरता की झूठी डींगे मारने वाले वो जो राजा हैं वो अपने मंत्रियों सहित भाग गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। तो हे सुव्रत, मैं इसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भी दिखा लाऊंगा। और यदि श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा दिया तो मैं जो अपनी अयोनिजा सीता है उसका विवाह भी श्री राम से कर दूंगा। राजा जनक की बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, वह धनुष श्री रामचंद्र जी को दिखलाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वो दिव्य धनुष को जो है चंदन और पुष्पमालाओं से जो भूषित है, जो जिस पर चंदन का लेप लगा रखा है, जिस पर पुष्पमालाएं रखी हुई है, उसे लेकर के आओ। राजा जनक ने बोला। राजा जनक की आज्ञा पाकर के मंत्री लोग जो है मिथिलापुरी में गए और उस धनुष को आगे कर चले। 5,000 मजबूत मनुष्य धनुष की 8 पहिए की पेटी को कठिनता से खींच कर ढकेल कर वहां ला सके। इस बात को ढंग से देख लेना दोस्तों, पूरा श्लोक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मैथमेटिकली इस चीज़ को बताया गया है कि 5,000 जो है मजबूत मनुष्य धनुष की 8 पहिए की पेटी थी, 8 पहिए लगे हुए थे उसके ऊपर, जिस रथ के ऊपर उसको लेकर के आया था, विशाल रथ था वो, जिसके ऊपर जिसको 5,000 मजबूत मनुष्य घेर रहे हो, उस रथ को बड़ी मुश्किल से वो लेकर के आ पाए वहाँ। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ सुनने में अजीब लगती है कि मतलब ऐसा धनुष कैसे हो सकता है कि जिसको इतना इतना भारी हो वो। तो डेंसिटी नाम की कोई चीज़ होती है दोस्तों, हमें पता है कि घनत्व जो है अगर किसी चीज़ का बढ़ा दिया जाए तो वो भारी हो जाएगा। भले ही वो अगर एक बोतल में मैं पानी भर दूं और सेम उसी बोतल में मैं लोहे का चूरा भर दूं, बोतल जो है वो सेम होगी मगर दोनों का वेट अलग अलग होगा। तो डेंसिटी जो है वो उस धनुष की इतनी ज़्यादा भारी थी कि उसे नॉर्मली नहीं उठाया जा सकता था, या अगर उसे उठाया भी जा सकता था तो उसे उठाने का कोई तरीका था और वो तरीका हर नॉर्मल आदमी को नहीं पता था। जिस पेटी में धनुष रखा था वो लोहे की थी। उसे लाकर मंत्रियों ने सूरपम महाराज जनक को इस बात की सूचना दे दी कि भैया धनुष आ चुका है राजन, ये वही धनुष है जिसकी पूजा सब लोग सब राजा कर चुके हैं। हे मिथिला के अधीश्वर, हे राजेंद्र, अब आप जिसको चाहे इसे दिखला सकते हैं। मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वकर्मा और राम लक्ष्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह श्रेष्ठ धनुष वही है जिसका पूजन और निमिवंशीय राजा करते चले आते हैं, और ये वही धनुष है जिस पर बड़े बड़े पराक्रमी जो राजा लोग हैं वो आज तक रोदा नहीं चढ़ा पाए हैं, वो इसकी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाए हैं। समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी इस धनुष को उठाकर इस पर रोदा नहीं चढ़ा सके हैं। तब वह पूरे मनुष्य की तो बात ही क्या है यह धनुष पर रोदा चढ़ा सके। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि ये सब जो हैं वो प्रजातियाँ हैं अलग अलग, मनुष्य, नाग, गंधर्व, किन्नर,
और यक्ष, राक्षस, देवता, ये सब जो हैं वो ऋषि कश्यप की संतानें हैं। अलग अलग मनुष्य को हटा दें, मनुष्य जो है मनु से निकलते हैं, ऋषि कश्यप की संतानें हैं ये। और पर्सनल मैं एक डिटेल वीडियो इन पर बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा ये अलग अलग तरह की प्रजातियां जो हैं वो क्या हैं और कैसे ये धरती पर निवास करती थी। आपने 84 लाख योनियों का नाम जरूर सुना होगा। वे जो है पृथ्वी पर केवल 10 से 12 लाख योनियाँ अवेलेबल हैं और ये 84 लाख योनियाँ जो हैं कभी भी एक साथ पृथ्वी पर नहीं रह सकती हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी पृथ्वी पर यह नहीं रह पाएंगी। तो इनमें से कोई कोई योनियाँ आती है और फिर धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो जाती है। ये जो रामायण काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय जो योनियाँ अवेलेबल थी, यानी कि जिस तरह की प्रजातियाँ अवेलेबल थी, वो शायद अब पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। तो ये उनमें से ही कुछ एक योनियाँ थी जो इस धनुष पर रोदा नहीं चढ़ा सके हैं। ये कह रहे हैं कि ये है ऋषि श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ धनुष आ गया है महाभाग, उसे इन राजकुमारों को दिखलाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के वचन सुने तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे वत्स, इस धनुष को देखो। महर्षि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी वहाँ गए। वहाँ उस धनुष को, उस पेटी को जिसमें वो धनुष रखा था, उसको खोल कर वह धनुष को देखा और देख करके बोले कि हे ब्राह्मण, अब इस धनुष को मैं हाथ लगा सकता हूँ, या हाथ लगाता हूँ और इसे उठाकर इस पर रोदा चढ़ाने का, प्रत्यंचय चढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी बात को अंगीकार करते हुए कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा साहू, कीजिए इस कार्य को। मुनि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी बिना प्रयास उस धनुष को पकड़ करके उसे उठा लिया, जिसको राक्षस और इतने सारे देवता जो हैं वो नहीं उठा पाए थे, उन्होंने उसको उठा लिया। उठा करके और हजारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास करके उस पर रोदा चढ़ा दिया। यशस्वी पुरुषोत्तम एवं बलराम श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही उस पर रोदा चढ़ाया, त्यों ही वो धनुष बीच में से टूट गया, अर्थात उस धनुष के दो टुकड़े हो गए। उसके टूटने पर वज्रपात के समान जो है वो आवाज़ हुई, बिजली कड़कने के समान आवाज़ हुई, बड़े जोर से भूमि हिल गई और बड़े बड़े पहाड़ टूट गए। धनुष के टूटने पर विकराल शब्द होने के कारण विश्वामित्र, राजा और दोनों राजकुमारों को छोड़ सब लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी कि उसके टूटने पर एक तरह की साउंड वेव निकली दोस्तों, और उस साउंड वेव जो है वो इतनी खतरनाक थी कि उससे काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर मूर्छित भी हो गए। सब लोगों की मूर्छा जब भंग हुई, सचेत हुए, तब राजा जनक के संदेह दूर हो गए। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वकर्मा जी से कहा कि हे भगवान, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी का यह अत्यंत विस्मयोत्पादक, अचिंत्य और अतार्किक पराक्रम मैंने जो देखा है अभी मेरी आंखों से, मैंने मेरी बेटी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना पति बनाकर मेरी कीर्ति फैलाएगी। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो योग्य हैं उसके लिए। है कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुल्क की जो प्रतिज्ञा ली थी वो आज पूरी हो गई। अब मैं अपने प्राणों से भी प्यारी जो है सीता, वो श्री रामचंद्र जी को सौंप दूंगा। हे ब्राह्मण, हे कौशिक, यदि आपकी सम्मति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को नम्रतापूर्वक यहाँ का सारा हाल सुनाकर ले आवें। आगे भी दोस्तों बहुत कुछ है वैसे, मगर वो बताने का मेरा टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि स्वयंवर नाम की जो चीज़ है वो कहीं भी नहीं है। अगर हम बात करें कि वाल्मीकि रामायण में, तो वो नहीं है। हाँ, होगा ये कि अब परशुराम जी भी आएंगे, धनुष जो है टूटने की खबर उन तक भी पहुंच गई है, मगर जैसा कि वहाँ दिखाया जाता है कि भाई धनुष टूटते ही परशुराम जी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अब वो धनुष की आवाज़ सुनी है उन्होंने, अब वो वहाँ से चलेंगे और चल करके यहाँ पहुँचेंगे। तो कुछ एक दिन में वो यहाँ पहुँच जाएंगे जब इनका विवाह होता होगा। तो इस तरीके से वाल्मीकि जी ने जो है अपनी कथा में स्वयंवर का वर्णन किया है। आप देखते होंगे कि आज के समाज में जो है वो स्वयंवर को इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया है। मेरे हिसाब से स्वयंवर जो है वो एक ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाया शायद तुलसीदास जी से, या फिर इसका जो भावार्थ है वो गलत ले लिया गया है, इसको स्वयंवर समझ लिया गया। स्वयंवर हुआ था, कई राजा आए थे, मगर उसमें श्री रामचंद्र जी नहीं थे। जब रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो वो केवल विश्वामित्र जी, जनक जी, उन हजारों लोग जो करके धनुष को लेकर के आए थे, और लक्ष्मण जी, इनके अलावा वहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये नॉलेज जो है वो आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि असलियत का हमें पता होना चाहिए। अगर हम स्वयंवर को सत्य भी मानते हैं तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में क्या लिखा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए और भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आई बटन पर आप देख सकते हैं कि वो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो कैप्शन में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। स्पेशल एक प्लेलिस्ट है जिसमें वाल्मीकि रामायण के जो भी तथ्य हैं ऐसे जो जनरली लोग नहीं जानते हैं, वही डालने का मैं काम करता हूँ। इतनी गर्मी में काम कर रहा हूँ दोस्तों, देख लो आप, पसीने पसीने हो गए बताते वक्त, मगर अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।